एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक अल्हेपुर में स्थित अलीदीनपुर भोगी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान संध्या देवी हैं। लगभग 10,000 जनसंख्या व 2,500 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गाँव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 207 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 32 हैंडपंप, 70 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 44 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 124 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, कन्या इंटर कॉलेज, सरकारी ट्यूबवेल, खेल का मैदान, शमशान घाट की बाउंड्री, प्राइमरी पाठशाला की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। केंद्र सरकार से ये है कि तुम्हारी यहाँ पेंशन योजना विधवा विकलांग और हमारे लिए हमारा 3,500-3,500 होना चाहिए और जो भी लाभ मिले हमारे पंचायत को मिलना चाहिए ये और जो हमारे रास्ते हैं संसार से 2 CC है, एक संसार के लिए, एक दीपक देवता के लिए और हमारे जो संसार है उनके लिए पॉइंट के लिए जो हमारे शमशान में अंतिम सफाई स्थल होता है उसके लिए उनको चाहिए और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक कोई नहीं है।